के लिए, लेकिन कुछ जानकारी तो दीजिए सर, कुछ तस्वीर तो साफ कीजिए। हम दिखा रहे हैं भयावह तस्वीर है, हैवी ट्रैफिक पर शाम के टाइम में सर जाम लगा होता है, वहां पर इस फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर बहुत सुखद घटना है, यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और ये पिलर का निर्माणाधीन पिलर था जो वहाँ पर जो है वो पंडाल था उससे कनेक्टेड, वो गिरा है। और चूंकि बहुत भारी पिलर था, हम लोगों ने तत्काल क्रेन आदि की व्यवस्था की है, पूरा प्रशासनिक अमला जमला वहाँ मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन परीक्षा के आधार पर हो रहे हैं। हम लोग का युद्ध स्तर पर इस तरह काम चल रहा है, चूंकि अंधेरा होने की स्थिति बन रही है तो प्रकाश आदि की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और पतान गाड़ियां कम से कम उसमें बताई जा रही है लगी हुई, और चूंकि अफरा तफरी का माहौल है, एग्जैक्ट संख्या अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कई लोगों को उसमें से निकाल करके अस्पताल भेजा गया है। कुछ लोगों की कंडीशन सीरियस है और कुछ लोगों के हताहत होने का भी समाचार है। एग्जैक्ट डिटेल मैं आपको नहीं दे पाऊंगा उस समय, लेकिन कैजुअलिटी दस के ऊपर अभी तक कन्फर्म है। फिलहाल आप कह रहे हैं कि क्या जो स्लैब है, जो ये भारी भरकम स्लैब दिख रहा है, क्या इसको हिलाने में हटाने में क्रेन के जरिए कामयाबी मिली है? क्योंकि इसी के नीचे तो दबी हुई है ना ये गाड़ियां, एक मिनी बस का भी बताया जा रहा है कि उसका दबा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसको हटाने के लिए 3-4 क्रेन को प्रेस किया गया है, क्योंकि बहुत हैवी पिलर होता है जो आप जानते हैं, तो उसी तरह के पिलर क्रेन का सहारा लिया जा रहा है जिनसे इनको लगाया जाता है। और पूरा प्रयास हो रहा है कि इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए और पूरा क्लियर करके जो लोग उसमें, कुछ लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उसके घायल अवस्था में है, जिनको निकाला जा रहा है वही कर दिया था। कुछ घटनाएं तो देखिए आप, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, लेकिन आनंद कुमार जी कुछ आपदाएं तो देखिए, घटनाएं प्राकृतिक होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन ये तो मैन मेड रहता है, ये तो मजाक है, जिंदगियों के साथ मजाक है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने इतनी बड़ी घटना को आमंत्रण दिया हो शाम के पहर में, जब इतना ट्रैफिक होता है उस वक्त, इतने भारी ट्रैफिक को उठाकर बैलेंस करके रखने की कोशिश की जा रही है? देखिए पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, मैं ये तो आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही है लाइबिलिटी पड़ती है सामने लाई जाएगी। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ इस बात को।